शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे इतनी जल्दी 6 बज गए? अभी अभी तो सोए थे। अभी 6 नहीं बजे, अभी 2 बजे हैं। मैंने 2 बजे का अलार्म लगाया था। 2 बजे का क्यों? अरे भूल गई, आज 5 तारीख है, अपनी प्रिया आने वाली है। लेकिन वो तो 7 बजे की ट्रेन से आने वाली है। सो जाओ। पापा ये हरकत आपकी है? प्रिया चक 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 स्टेशन जाना है, 7 बजे की ट्रेन है। पापा गुड मॉर्निंग अंकल। अजय तुम यू आर लेट, गाड़ी 7 बजे की है और तुम 7:10 पर आए हो। लेकिन गाड़ी तो अभी तक आई नहीं अंकल। तो क्या हुआ, अगर गाड़ी वक्त पर आ जाती तो? एक सूचना, शिमला से आने वाली डाउन ट्रेन लैंडस्लाइड होने के कारण 8 घंटे देरी से आएगी। ओह माय गॉड, 8 घंटे लेट, कमाल है। लैंडस्लाइड को भी आज ही होना था। अरे रूसी जल्दी चलनी, फिर लगन में अपने को देर हो जाएगा ना। उसको लिफ्ट दे देना। अरे नहीं नहीं, कचरा ना डब्बा ने लिफ्ट आपू ने मारी गाड़ी गंदी सही जैसे। ए हट, कचरा भी नहीं। रुस्तम गाड़ी रोक। काहे काहे? रुस्तम एने लिफ्ट आप। देखो शुक्री, गाड़ी में किधर भी हाथ मत लगाना। पापा। ओ प्रिया। प्रिया मेरी बच्ची। प्रिया दीदी, तुमने सुना कि नहीं? क्या? आज एक जबरदस्त एक्शन सीन होने वाला है। कहाँ? इस पहाड़ के पीछे। राहुल तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, कितनी बार कहा ऐसे खतरनाक खेल मत खेला करो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हुआ तो नहीं ना। मुझे तुम्हारे लड़कियों के साथ घूमना फिरना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कभी इससे प्यार, कभी उससे प्यार, ये सब क्या है? मैं किसी से प्यार नहीं करता। लेकिन घूमते फिरते तो हो ना सबके साथ। देखो प्रिया, ये तुम्हारा कॉलेज में पहला दिन है। ऑल द बेस्ट, ओके? थैंक यू भैया। अंजू, हाय प्रिया, हाउ आर यू? गुड। अच्छा तुम्हें पता क्या हुआ? क्या? यू रिमेम्बर दैट गाय? वो सिंगर? या ऑफ कोर्स। सुखराम, ये सामान अभी तक बाहर क्यों पड़ा है? वो स्टोर का दरवाजा अंदर से बंद है साहब जी। क्या? कौन है अंदर? राहुल, कम ऑन आउट। क्या हुआ विकी, इतना हंगामा क्यों कर रहे हो यार? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां घुसने की? ये मेरे काम की जगह है, कोई घटिया या बाजारो होटल नहीं है। अपनी ये जो घटिया हरकतें हैं ना, कहीं और जाकर करो, समझे? कम ऑन विकी, ये सब तो होता रहता है यार। लेकिन अगर तुझे नहीं पसंद तो आगे नहीं होगा, ओके? वो लड़की कौन थी यार जिसके साथ तुम आज सुबह कॉलेज आए थे? क्यों? वो मुझे बहुत खूबसूरत लगी, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। राहुल, उस लड़की से तुम दूर ही रहना, वरना अच्छा नहीं होगा। वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। अच्छा, ओए! तुझे बोला था मैंने। Stop it! Please, भैया छोड़ो। Stop it! Please! हटो पीछे। Please! I say stop it! हटो पीछे। क्या हो रहा है ये सब? कैंपस के अंदर मारपीट, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। Please समझने की कोशिश करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए शोभा जी, please। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें छोड़ दीजिए।
लेकिन आपकी मम्मी ने ही तो केस दर्ज किया है मिस्टर मोदी। लेकिन ये झगड़ा हम दोनों के बीच में हुआ है इंस्पेक्टर साहब, और मैं कोई केस दर्ज नहीं करना चाहता। सॉरी मैडम, जब इनकी कोई कंप्लेन ही नहीं है तो मुझे इसे छोड़ना ही पड़ेगा। थैंक यू बेटा। आइए बख्श साहब, आप मेरे साथ आइए। आई एम सॉरी विकी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। भैया राहुल, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? मैं जब भी तुमसे बात करने की कोशिश करती हूँ तुम दूर भाग जाते हो। इट्स सो इंसल्टिंग, यू नो। आखिर इसकी वजह क्या है? देखो प्रिया, तुम्हारी इंसल्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। दरअसल मैं तुम्हारे भाई विक्रम को और नाराज नहीं करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें लेकर उसके और मेरे बीच में और झगड़ा या मारपीट हो, इसलिए बेहतर है कि मैं तुमसे दूर रहूं। राहुल, क्या सिर्फ यही एक वजह है कि तुम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते? सच सच बताऊं, जानना चाहोगी तुम? हाँ। तुम बहुत खूबसूरत हो प्रिया, बहुत ही अट्रैक्टिव। तुम्हारी मौजूदगी में मैं अपने आप को संभाल नहीं सकता, और इसी बात से मैं डरता हूं। इसलिए बेहतर है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर रहें। बेटी उठो उठो, देखो तो कौन आया है, प्रणाम करो। जीते रहो पुत्र, जीते रहो, खुश रहो। अरे उपटन के रस्म में अब क्या देर है भाई? ताई जी, प्रिया आए तब ना, पहली हल्दी उसी ने तो लगानी हमारे दूल्हे राजा को। अरे तो फिर बुलाओ ना, कहाँ है हमारी लाडली? क्या बात है अंकल? समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूं, जबान नहीं खुल रही है। दरअसल प्रिया मां बनने वाली है। क्या? अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है बेटा। अगर तुम हाँ कर दो तो हो सकता है हम सबकी परेशानियां दूर। एक मिनट अंकल, मैं प्रिया से शादी नहीं कर सकता। लेकिन वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है बेटा। अबॉर्शन करवा लेना। राहुल राहुल बेटा, प्लीज, हमारी बात तो सुनो। ऐसा मत करो, हमें अधर में छोड़ के मत जाओ बेटा। चले जाइए यहाँ से। नहीं मम्मी, मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। पापा, पूरी दुनिया से लड़ना चाहती हो ना पापा, तो तुम्हारी लड़ाई यहाँ से शुरू होती है, तुम्हारे घर से। जाओ, चलो अंदर तुम लोग, चलो तुम लोग, मैं कहता हूँ चलो अंदर। कुछ पता चला कि नहीं? नहीं यार, हर जगह ढूंढ लिया, कहीं भी नहीं मिली। सर्किट हाउस के पास देखा? सर्किट हाउस पे देखा, माल रोड पे देखा, अंजू के घर पे भी गया था, वहाँ पर। भाई साहब, कम बैक बॉबी, चल। रुको भाई साहब, शायद उसको पता प्रिया कहाँ है। बॉबी चल, बॉबी चल। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अरे वो तो कुंवारी थी, पता नहीं क्या होगा शुक्ला जी का। हे राम, कैसी लड़की थी वो? चलो बेटी, हम इन्हें देखने नाटक। नहीं मामा, हम देखेंगे, पूरा देखेंगे। तू कहीं की नहीं रही प्रिया, तू कहीं की नहीं रही। मैं जानती हूँ, पर मैं इसी लायक हूँ। माँ, बाबूजी, हो सके तो मुझे माफ करना। प्रिया, प्रिया, प्रिया। प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब, मैं स्टेज पे जाके कुछ कहना चाहती हूँ। जा सकती हो। Please keep quiet. अभी अभी जो आपने नाटक देखा उसमें जो प्रिया थी वो मैं ही हूं। मैं इस नाटक से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ए, तू कौन होती बोलने वाली बीच में? ए, चुप! और खास तौर पे इसके अंत से, अंत में वो लड़की आत्महत्या कर लेती है क्योंकि उसको लगता है उसने भयानक पाप किया है। लेकिन उसने कोई पाप नहीं किया, मैंने भी कोई पाप नहीं किया। लेकिन हाँ, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती।
मेरा भी मन किया कि मैं जहर की शीशी उठा के अपनी जान ले लूं या फांसी का फंदा लगा लूं, और समाज ने मेरे सामने एक ही रास्ता छोड़ा कि मैं अपना बच्चा गिरा दूं, अपने जिस्म से निकाल फेंकूं, जैसा कोई सड़ा हुआ दांत उखाड़ के अपने जिस्म से निकाल देता है। मैं घंटों सोचती रही, तभी अचानक आवाज सुनाई दी। माँ, मैं जीना चाहता हूँ माँ, इस दुनिया में आना चाहता हूँ, हंसना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ। अगर तूने मेरी हत्या कर दी तो मेरा अस्तित्व ही मिट जाएगा। मुझे मत मार माँ, मुझे मत मार, मुझे मत मार। और तब मैंने फैसला किया कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, ईश्वर के इस वरदान का सम्मान करूंगी, उसे इस दुनिया में लाऊंगी। अब आप लोग ही मुझे बताइए, क्या मैं गलत हूं? डैड, क्या है बेटा? मैंने कुछ फैसला किया है। कैसा फैसला? मैं प्रिया से शादी करना चाहता हूं। वेरी गुड। अजय, तुम यहाँ? हाँ प्रिया, बहुत दिनों से एक बात कहना चाहता था। अच्छा, ऐसी क्या बात है? प्रिया, प्रिया मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ प्रिया। हाँ। क्या हुआ प्रिया? प्रिया, भाभी, प्रिया, क्या हुआ प्रिया? प्रिया, मैं आ गया हूँ, बस अब जल्दी से खुशखबरी दे दो। आई लव यू प्रिया, आई लव यू। आज मैं बहुत खुश हूं प्रिया, मेरे कारण तुमने जो कुछ सहा है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं इन सब के सामने वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा और एक अच्छा जीवन साथी बनकर दिखाऊंगा। मुबारक हो प्रिया, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। मेरी तरफ से तुम दोनों को शादी की शुभकामनाएं। थैंक यू। शादी? अजय, मैंने शादी के लिए हाँ नहीं की। ये क्या कह रही है? नहीं की तो अब कर दो प्रिया। सॉरी राहुल, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। ये तुम नहीं, तुम्हारा बचपना बोल रहा है बेटी। शायद तुम भूल गई कि तुम्हारी गोद में राहुल की औलाद है। नहीं अंकल, मेरी गोद में मेरी औलाद है। राहुल के लिए तो ये औलाद उसी दिन मर चुकी थी जब इसने मुझे अबॉर्शन करने की सलाह दी थी, लेकिन मैंने उसे जिंदा रखा, जन्म दिया, इसलिए ये मेरी औलाद है, सिर्फ मेरी। लेकिन बेटी, अपनी बच्ची के बारे में तो सोच, क्या इसे तू बाप का नाम नहीं देगी? और तू क्या जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी? नहीं मामा, मैं शादी करूंगी, लेकिन उस व्यक्ति से जिसकी मैं इज्जत करती हूँ, जिसने हर दुख हर तकलीफ में मेरा साथ दिया, मेरे पेट में किसी और का बच्चा होते हुए मुझे अपनाने का साहस दिखाया, मुझे उस व्यक्ति पे गर्व है। कंग्रेचुलेशंस अजय, तुम हर लिहाज से मुझसे एक बेहतर इंसान हो, काश मैं भी तुम्हारे जैसा होता। शाबाश बेटी, जुग जुग जियो। क्यों भाई फूलचंद, तुम तो हमेशा फूल लेकर आते थे, आज बिना फूलों के आ गए। अंकल, आज तो फूल मैं आपसे वसूलूंगा। वो कैसे? ये वाला। इससे अच्छा गुलदस्ता हो सकता है क्या? तो फिर आज से संभालो अपनी प्रिया नंबर 2 को।